तो हेलो गाइज, वेलकम आप सभी का एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले फोर्ड करेक्टर की एबिलिटी के बारे में, यानी कि जो अभी 39 अपडेट के बाद जो फोर्ड करेक्टर की जो एबिलिटी चेंज होने वाली है। क्या फोर्ड करेक्टर की एबिलिटी होने वाला है ओबी 39 अपडेट के बाद? तो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा फोर्ड करेक्टर की एबिलिटी के बारे में, और टेस्ट करके भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या इस वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो को आप सभी लोग कंप्लीट से देखना। तो चलिए गाइज, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना, ताकि हर नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करते। तो सबसे पहले आप सभी लोग देखते हो फोर्ड करेक्टर को यार बिल्कुल यार काला है मेरे जैसा। यार यहाँ पे देखते हो एबिलिटी तो चेंज हुआ, लेकिन यार इसका जो फेस है मतलब यार ब्लैक का ब्लैक ही रहने दिया। ओके यार, यहाँ पे एबिलिटी चेंज हुआ लेकिन यार फेस सही नहीं हुआ, यहाँ से थोड़ा गोरा कर देता है स्किन को, यार कुछ अच्छा लगता है। ओके, इस सब बात को रखते साइड में बात करते हैं फोर्ड करेक्टर की एबिलिटी के बारे में, यानी गए जो ओबी 39 अपडेट के बाद जो फोर्ड करेक्टर की एबिलिटी चेंज होने वाला है। तो क्या एबिलिटी है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो चले गए चलते हैं गेम में, और आप लोग को टेस्ट करके बताता हूँ कि फोर्ड करेक्टर की एबिलिटी क्या हो क्या। तो फोर्ड कैरेक्टर जो एबिलिटी का, हर 20 सेकंड के बाद अगर आप लोग डैमेज होते तो आप सभी को 30 एचपी मिलेगा, मतलब आप लोगों को 3 सेकंड तक आप लोगों को एचपी मिलेगा, और हर एक सेकंड पे आप लोगों को 10 एचपी मिलेगा। तो टोटल आप सभी को यार 30 एचपी मिलेगा। ओके यार, तो अगर आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, मैं यहाँ पे डैमेज हुआ, और डैमेज होने के बाद आप सभी लोग देखते हो मेरे को यहाँ पे 30 एचपी मिल चुका। ओके यार, तो आप लोग को हर सेकंड पे आप लोग को 10 एचपी मिलेगा, और आप लोग को टोटल मतलब 3 सेकंड है तो 3 सेकंड आप लोग जोड़ सकते हो, टोटल आप लोग को 30 एचपी मिलेगा। ओके यार, तो आप लोग को डैमेज होने, अगर हर 20 सेकंड के बाद आप लोग को डैमेज होते हो तभी आप लोग यार एबिलिटी काम करेगा फोर्ड करेक्टर का। तो यहाँ पे जैसे कि देखते हो, फिर यहाँ पे मैं डैमेज हुआ, और डैमेज होने के बाद यहाँ पे आप सभी लोग देखते हो यहाँ पे मेरे को एबिलिटी बढ़ रहा हो क्या, मतलब चार्ज हो रहा है। तो वैसे अगर आप लोग हर 20 सेकंड के बाद अगर डैमेज होते हो तो आप लोग को 30 एचपी मिलेगा। ओके, अगर आप लोग डैमेज नहीं होते हो, हर 20 सेकंड के बाद डैमेज नहीं होते हो तो आप लोग यार मतलब चार्ज नहीं होगा, 30 एचपी नहीं मिलेगा। और आप लोग यहाँ पे जोन के बाद भी अगर आप लोग डैमेज होते हो तो आप सभी लोग यार चार्ज होगा। अगर तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, मैं यहाँ पे जोन के बाहर यहाँ पे डैमेज होता हूँ, और उसके बाद आप सभी लोग देखते हो यहाँ पे मतलब चार्ज होने लगा, और 30 से एचपी मेरे को मिल चुका हो क्या। तो जोन के बाहर अगर आप लोग यहाँ पे 20 सेकंड के बाद यहाँ पे डैमेज होते हो तो आप लोग यहाँ पर सभी आप लोग मतलब एचपी बढ़ेगा, और यहाँ पे चार्ज होगा, और 30 एचपी आप सभी को मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ पे फोर्ड कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि ओबी 39 के बाद जो फोर्ड कैरेक्टर की एबिलिटी जो चेंज होने वाला है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि फोर्ड कैरेक्टर की एबिलिटी क्या होगी। आप लोग कमेंट करके बताना कि फोर्ड कैरेक्टर की एबिलिटी पहले वाला आप लोगों को पसंद आया, या फिर अभी जो ओबी 39 अपडेट के बाद जो चेंज होने वाला है वो आप लोगों को पसंद आया, आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। और गाइस, कमेंट करके ये भी बताना कि और भी करेक्टर की एबिलिटी चेंज होने वाला है ओबी 39 अपडेट के बाद, तो उसका भी वीडियो आप लोगों को चाहिए या फिर नहीं चाहिए वो आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।